Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. I'm Bia and you are watching Bia's Home Secrets. मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए यूजफुल रेमेडीज एंड टिप्स. आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा. आप लोगों का प्यार ही मेरी अप्रिसिएशन है. जैसे कि गर्मियों का सीज़न है और आजकल सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्किन का टैन हो जाना, डिहाइड्रेट हो जाना, एक्ने का हो जाना, स्किन का डबल टोन हो जाना. मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन. चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. टोनर बनाने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होगी जो ना इतनी महंगी हैं और ना ऐसी हैं जो हमें आसानी से ना मिल सकें. सबसे पहले हम लेंगे सेफ्रॉन, एलोवेरा जेल, अच्छी कंपनी का ग्लिसरीन, अच्छी कंपनी का रोज वाटर और इवियन के विटामिन ई कैप्सूल्स. सबसे पहले हम ले लेंगे एक क्लीन बाउल, मेक श्योर कि बिल्कुल साफ सुथरा हो. इसमें हम डालेंगे एलोवेरा जेल. एलोवेरा जेल आपने बाज़ार का यूज़ करना है, ब्रश नहीं करना. हमें इसमें जेल की ज़रूरत है तो हम एलोवेरा जेल लेंगे 2 टेबल स्पून. एलोवेरा जेल जो है वो हमारी स्किन बर्न को, जो सन की वजह से बर्न हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा है. इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन बर्न को ठीक करती हैं. इसके अलावा ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है. दूसरा ये कि स्किन मॉइस्चराइज रखता है ये, क्योंकि हमारी ये गर्मियों में पानी की कमी की वजह से स्किन ड्राई हो जाती है तो ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है. सेकेंड स्टेप है हमारे पास ग्लिसरीन. ग्लिसरीन आपने कोई भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर लेना है. ग्लिसरीन स्किन हाइड्रेटिंग के लिए बेस्ट है. ये स्किन को रिफ्रेश रखती है, सॉफ्ट करती है और कॉम्प्लेक्शन फेयर करती है. हम यहाँ पर 1/3 टीस्पून लेंगे ग्लिसरीन का, ज़्यादा नहीं, 1/3 लेंगे हम. और ये हमने अच्छी तरह से स्पून पे से साफ करके इसमें डाल देनी है. अब हम इसमें यूज़ करेंगे इवियन के विटामिन ई के कैप्सूल्स. ये आपको बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाएंगे, किसी भी शॉप से मिल जाएंगे और इतने महंगे नहीं होते कि आप इसको अफोर्ड ना कर सकें. हमने बस इसमें एक कैप्सूल यूज़ करना है और पूरा यूज़ करेंगे हम. इसको हम खोल लेंगे और ये पूरा यूज़ करेंगे. इवियन के विटामिन ई के कैप्सूल से हमारी स्किन की ईचिंग को ख़त्म करते हैं, हमारे स्कार्स को मिनिमाइज़ करते हैं. नेक्स्ट स्टेप है हमारा रोज़ वाटर. रोज़ वाटर आपने कोई भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर लेना है. हम इसमें रोज़ वाटर डालेंगे 1/2 कप. रोज़ वाटर एक नेचुरल टोनर है हर स्किन टाइप के लिए. ये हमारे पोर्स में से डर्ट रिमूव करता है. रोज़ वाटर इज़ रिच इन विटामिन सी. इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. हम ये सबको आराम से मिक्स कर लेंगे. अब हम इसके अंदर डालेंगे सेफ्रॉन. सेफ्रॉन जिसको ज़ाफ़रान भी कहते हैं, ये आराम से किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाता है. हमने ये इसके अंदर ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हम 2 से 3 इसके धागे थ्रेड्स हमने इसके अंदर डाल लेने, ज़्यादा नहीं डालने. अब हम इसको इसमें मिक्स करके इसको सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे. हम आ गए हैं 15 से 20 मिनट के बाद और आप लोग देख रहे हैं कि कैसे सेफ्रॉन ने अपना कलर चेंज कर लिया है. हम इसे थोड़ी देर के लिए और छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से और सेट हो जाए. फिर हम इसको किसी भी अच्छी स्प्रे बॉटल में कन्वर्ट कर लेंगे और यूज़ करेंगे इसको रेफ्रिजरेटर में रखकर. ये देखें, ये मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है स्प्रे बॉटल के अंदर. आप लोगों ने भी इसको इसी तरह किसी भी एक अच्छे से स्प्रे बॉटल आपने लेनी है, साफ करनी है, धो के उसके अंदर आपने इसको डाल लेना है. ये देखें, इसने मेरे वाले ने कलर कितना अच्छा अपना येलो कर लिया है. या आप भी इसको छोड़ दिएगा, हो सकता है ये ज़्यादा टाइम ले ले. आपने इसको सेट होने देना है और फिर अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं. दिन में आप 2 से 3 दफ़ा जब भी आप मुंह धोएं आप इसको यूज़ करें. साथ में आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख लें, ठंडा ठंडा आप यूज़ करें. इससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, ड्राई नहीं होगी, पैचेस नहीं बनेंगे, एक्ने नहीं होगी, स्किन ग्लो करेगी आपकी, सारा दिन आपकी स्किन फ्रेश रहेगी. ये आप लोग यूज़ करें और इसका फीडबैक मुझे लाजमी कॉमेंट्स में बताइएगा. और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा. थैंक यू.